अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे आप सब। मैं भी ठीक हूं आप सब की दुआओं की वजह से। वेलकम बैक टू अरीज की दुनिया, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स, गुड मॉर्निंग। तो जी, नए दिन नई उम्मीद के साथ मैं करने लगी हूँ अपना व्लॉग शुरू। सबसे पहले ना मैंने नाश्ता कर दिया है। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा वीडियो, बहुत मज़ेदार वीडियो आपके लिए मैंने व्लॉग बनाया है। आप इस व्लॉग को पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज ना हमने ड्रिंक बनाई है, चॉकलेट ड्रिंक बनाई है, और उसके साथ हमने तंदूर वाली रोटी और उसके साथ कबाब है और साथ में फ्राइज़ हैं जो हमने बांटे हैं। और आप इस व्लॉग को पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार सा होने वाला है आप सब लोगों के लिए। तो जी, यहाँ पर ना हमने सबसे पहले बड़ा पतीला लिया है, उसमें हम दूध शामिल कर रहे हैं। ये ना हमने फ्रेश दूध मंगवाया है डेयरी से, और ये ना बहुत ही ज़्यादा दूध अच्छा था, बिल्कुल भी मिलावटी नहीं था और बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। तो जी, यहाँ पर ना हम दूध को पतीले में हमने डाल दिया है, उसके बाद हम दूध को चलाते रहेंगे और दूध को ना हमने बॉयल करना है, और बॉयल करने के बाद ना हमें बहुत ही ज़्यादा मिक्स करना है दूध को, ताकि दूध नीचे से लगे ना। तो जी, दूध जब तक गर्म ना हो जाए तब तक ना हम दूध को चलाते रहेंगे। और इस ड्रिंक में ना हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी, और बहुत लोगों के लिए हमने ये चॉकलेट मिल्क बनाया था कि हम ठंडा कर सकें और लोगों को पिला सकें। ये जितना ठंडा होगा उतना लोगों को अच्छा लगेगा, और पीने में भी बहुत ही ज़्यादा यमी था। तो जी, बाहर ना भाई वगैरह जो हैं वो दूध को अच्छी तरीके से बॉयल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और मैं आ गई हूँ मिक्सचर बनाने यहाँ पर किचन में। सबसे पहले ना मैंने एक लिया है बाउल, और उसमें मैंने शामिल किया है कोको पाउडर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम क्वांटिटी में जितना हमें चाहिए उतना हम कोको पाउडर शामिल करेंगे। और कोको पाउडर शामिल करने के बाद ना यहाँ पर हम कॉर्न फ्लोर शामिल करेंगे एक बाउल में। तो जी, ये अनस्वीटेड कोको पाउडर है, ये बिल्कुल भी मीठा कोको पाउडर नहीं है। तो जी, यहाँ पर ना मैंने कोको पाउडर को छान लिया था छन्नी से, और जो कोको पाउडर होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ होती हैं, इस वजह से मैंने कोको पाउडर को अलग से छान लिया था। अब मैंने कोको पाउडर और कॉर्न फ्लोर को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है चम्मच की मदद से। यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ, बड़ा सा मैंने बाउल लिया है, दोनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। तो जी, हस्ब ज़रूरत ना मैं पानी शामिल करके बाउल में, तो जी यहाँ पर ना मैं पानी शामिल करके दोनों चीज़ों का अच्छी तरीके से पेस्ट बना दूंगी, कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर का। तो जी, यहाँ पर फिर से मैं आ गई हूँ बाहर, और यहाँ पर ना दूध को उबाल आ चुका है, और भाई यहाँ पर अच्छी तरीके से दूध को मिक्स कर रहे हैं। और दूध को उबाल आने के बाद यहाँ पर हमने शुगर शामिल कर दी है, और शुगर को भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो जी, यहाँ पर ना बाउल छोटा हो रहा था, इस वजह से मैंने बड़े से बाउल में ये सारा मिक्सचर मिक्स कर दिया है और ट्रांसफ़र कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा करके ना मैं पानी शामिल करती जाऊँगी और इस मिक्सचर को मिक्स करती जाऊँगी।
यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरीके से पेस्ट बना दिया है और विक्स की मदद से मैंने गुठलियाँ भी ख़त्म कर दी है। एक भी गुठली ना बने, नहीं तो गुठलियाँ ना ड्रिंक में ही बन जाएंगी। तो जी यहाँ पर कजन्स और हम ये सब मिलके ये काम कर रहे हैं और यहाँ पर हम ड्रिंक भी बना रहे हैं और जितना हम दूध को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा। तो जी यहाँ पर जो हमने मिक्सचर बनाया था चॉकलेट कोको पाउडर और कॉर्नफ्लोर का, वो हमने शामिल कर दिया है दूध में और दूध में हम आस्ता आस्ता से शामिल भी करते जाएंगे और मिक्स भी करते जाएंगे। भाई ना यहाँ पर शामिल करें और मैं यहाँ पर आपके लिए व्लॉग बना रही थी, थोड़ा सा मैंने सोचा था कि आपको व्लॉग बना के दिखाऊंगी। यहाँ पर ना मेरे बड़े कजिन जो हैं वो चम्मच चला रहे हैं और बहुत देर लगी थी क्योंकि वो बहुत टाइम से यहाँ पर चॉकलेट मेरे को अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, बहुत ही ज़्यादा यमी बना था और सबको ना बहुत ही ज़्यादा पीने में अच्छा लगा था और बहुत मेहनत से भी बनाया था और बहुत प्यार से बनाया था। तो जी यहाँ पर ना हमने चॉकलेट की कटिंग कर दी है और छोटे छोटे पीसेस में ना हमने चॉकलेट को कटिंग की है ताकि चॉकलेट अच्छी तरीके से गल जाए और दूध में ना अच्छी और ताकि चॉकलेट जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए दूध में, वरना बहुत ज़्यादा देर लगती है। हमने जब भी ये बनाया है तब हमने ऐसा किया था कि पूरी जो चॉकलेट बार होती है वो हमने दूध में शामिल कर दी थी और बड़े पतीले में ना हमने बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था उसे मिक्स करते हुए और उसे मेल्ट करते हुए, इसलिए इस बार हमने सोचा था कि हम अलग से छोटी पतीली में ये सारा मिक्सचर बना के फिर बड़ी पतीले में शामिल करेंगे चॉकलेट को। तो जी यहाँ पर ना हमने पतीली में थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया था और उसके बाद जो चॉकलेट के पीसेस हमने कटिंग करके रख दिए थे वो हमने शामिल कर दिए हैं और चॉकलेट को हम अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि चॉकलेट जो है वो जल ना जाए, क्योंकि जो चॉकलेट जलता है उसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाती है और ड्रिंक हमारी ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमने बहुत ही टाइम तक इसे भी चलाया था, मिक्स किया था चॉकलेट को। तो जी यहाँ पर हमने चॉकलेट मेल्ट करके भाई को दे दिया था, अब भाई शामिल कर रहे हैं चॉकलेट ड्रिंक के अंदर चॉकलेट को और चॉकलेट को भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। अब हमने अच्छी तरीके से तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कोको पाउडर, कॉर्नफ्लोर और चॉकलेट को। तो जी भाई ने ना बहुत मेहनत करके ये चॉकलेट ड्रिंक बनाई थी और भाई ने बहुत टाइम तक ये चमचा चलाया था क्योंकि हमें गाढ़ा करना था चॉकलेट को। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर हमने चॉकलेट ड्रिंक बना दी है और चॉकलेट ड्रिंक को ना हम उतार के चूल्हे से ज़मीन पे रख देंगे ताकि ड्रिंक जो है वो ठंडी हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो और उसके बाद ना हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बर्फ़ मंगवाई थी, वो हमने शामिल कर दी है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर्फ़ भी शामिल कर दिए है और ये चॉकलेट ड्रिंक जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा चिल्ड रखनी है, इससे ना बहुत ही ज़्यादा यमी वाला टेस्ट आएगा, जितनी ठंडी होगी उतना पीने में अच्छा लगेगा इस ड्रिंक को, और इस ड्रिंक का जो मज़ा है वो तब भी आएगा जब आप इसे चिल्ड करके पिए। तो जी यहाँ पर ना मैंने एक दिन पहले की क्लिप्स आपके साथ शेयर की हैं, एक दिन पहले हमने फ्राइज बनाए थे वो हमने रख दिए थे फ्रिज में, जो मैंने मेथड आपको पहले भी बताया था, फ्रीजर में फ्रीज करके चिप्स को रख सकते हैं और उसके बाद दूसरे दिन हमें इन्हें फ्राई करना था। तो जी यहाँ पर ना मैंने आपको बस थोड़ी थोड़ी क्लिप करके फ्राइज़ की दिखाई है क्योंकि मैं आपको इसी वीक में बता चुकी हूँ कि हमने फ्राइज़ कैसे बनाए थे, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप जाके वो व्लॉग देख सकते हैं और वो मैंने बहुत आपको सिंपल तरीका बताया था। तो जी ये जो फ्राइज़ हैं वो सब घर वालों ने बनाए हैं
और ये रेसिपी तो मैं आपको दे चुकी हूँ, इस वजह से मैंने बस थोड़ी थोड़ी क्लिप बना के आपको दिखा दी हैं। यहाँ पर फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं और ये ना बहुत ज़्यादा मेहनत से बने थे, क्योंकि ये जो हमने ये घर वालों ने सब ने फ्राइज़ जो बनाए थे ना 100 किलो फ्राइज़ थे। हमने ना फर्स्ट टाइम लाइफ में 100 किलो फ्राइज़ बनाए थे और सबको बांटे भी थे और सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। साथ में सॉस भी था, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। सॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत मज़ेदार, बहुत यमी थी, क्योंकि फ्राइज़ के साथ मज़ा तब आता है अगर सॉस हो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि मेरे नए आने वाले व्लॉग्स आपके पास आ सकें। मेरे जो व्लॉग्स हैं वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। तो जी, मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी चॉकलेट ड्रिंक की रेसिपी लगा दूंगी और वहां से आप देख लीजिएगा, डिटेल में रेसिपी होगी। तो जी, सॉस की जो रेसिपी है फ्राइज सॉस की, वो भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और आपको ये सॉस बहुत ही ज़्यादा यमी लगेगी। साथ में मैंने आपको दिखा दिए हैं तंदूर की रोटियां और साथ में है कबाब, बहुत मज़ेदार सा कबाब था। तो जी, ये चीज़ें बाहर से आई हैं ऑर्डर पर और ये बहुत ही मज़ेदार सी, और सब ने ये पैक की हैं साथ मिल के और बहुत ही ज़्यादा ये बनी है। और फिर हमने पैक करके लोगों में बांटी है। जिस जिसने इस काम में हाथ बटाया है, अल्लाह पाक सबकी मदद कर और जो भी परेशानियां हैं सबकी दूर कर दे, आमीन सुमा आमीन। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर सारा काम हो चुका है और पैकिंग वगैरह हो चुकी है, मैंने आपको भी दिखाई है। अल्हम्दुलिल्लाह से काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने किया था रिलैक्स और साथ में ना आज मैं खा रही हूँ रोल, चिकन रोल है और बहुत मज़ेदार सा रोल है। साथ में मैंने एक रोल, हाफ रोल ना मैंने वेजिटेबल वाला खाया था, वो भी बहुत ही मज़ेदार था। हाफ मैंने चिकन वाला रोल खाया था और हाफ मैंने वेजिटेबल वाला खाया था, बहुत ही दोनों मज़ेदार। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की डेली रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।